मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर 14 अप्रैल को चंबा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह चंबा विधानसभा क्षेत्र के चौगान नंबर 2 में 14 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे और 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री की 14 अप्रैल को होने वाली जनसभा को लेकर इन दिनों चंबा में तैयारियों का दो जोरों पर है। पूरा चंबा शहर भाजपा के झंडे के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। जनसभा के लिए चौगान नंबर 2 में मंच लगाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री के चंबा दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों बारे विधायक चंबा सदर पवन नैयर ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी का चंबा का कल दौरा है और कल ये तकरीबन 2 बजे चंबा पहुंचेंगे। उसके बाद यहां पर सबसे पहले ये इसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। तकरीबन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का तकरीबन कोई 190 करोड़ रुपये की जो है उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी स्कीम जो है हमारी जो है वो दरड्डा से अपलिफ्टिंग स्कीम है। इसकी ये 72 करोड़ रुपए की जो है स्कीम अभी सेंक्शन हो गई है इसकी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी पुरानी डिमांड थी कोलडी से तलाई, ये लॉजी जाके निकलेगी, ये भी बड़ी लोगों की डिमांड थी। इसका भी हम जो है उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी एक हॉस्पिटल से बालू की तरफ थी सड़क, आप जैसे आपने देखा इसके टेंडर भी हो गए हैं इसके, और इसके एक नया ब्रिज बनेगा और ये सड़क बनेगी, इसका टेंडर हो गया। मेरे ख्याल बहुत जल्द ये अवार्ड हो जाएगा और इसका काम भी बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से 2 मिंजर में माननीय मुख्यमंत्री चंबा नहीं आए, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और इस बार जो है ये दौरा बना, 2 दिन का दौरा है ये। कल चंबा में रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, आते ही पहले इसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी और उसके बाद लोगों की जितनी समस्याएं होंगी वो माननीय मुख्यमंत्री से। सर, विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री झूठे शिलान्यास करने के लिए यहाँ आ रहे हैं चुनावी वर्ष, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो हर बार पहले भी आपको कह रहा हूँ कि ये तो इनका तो काम ही यही है, इन्होंने कभी भी चंबा की भलाई नहीं की। मैं आपको ये आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल तो बताओ आप, और मेरा एक भी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप पूछते नहीं उनसे, एक बताओ कौन सा गलत है। जितने मैंने उद्घाटन किए शिलान्यास, एक भी काम अगर कोई ये कह रहे हैं कि जल ये तो बता दो, वो तो बताते नहीं है ना, आप पूछते हैं एक भी काम। जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र और जितने हम अभी कर रहे हैं उद्घाटन और शिलान्यास, मैं तब करता हूँ जब हमारे पास पूरा पैसा आ गया है, ऐसे में करता नहीं हूँ कभी भी। और इनको तो इन्होंने अगर चंबा का बेड़ा कर किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, पिछले पूछो इनको पिछले 5 साल में एक सड़क बनाई तो बता दो, वो आप पूछेंगे नहीं, मेरे को पता है कोई काम। साउ सिलाघराट रोड में 1983 के बाद एक गैंती नहीं लगी सड़क में, आज आप जाओ वहाँ पर 4 की 5 सड़कों का काम लगा हुआ सिलाघराट में, इनको पूछो ना कि ये क्या करते रहे पिछले 5 साल। पुरानी बातें छोड़ दो, ये गणाएंगे जी 40 साल पहले हमने ये किया था, 50 साल पहले फलाना मंत्री या वोट मांगेगा भी बोलो मैं मंत्री का बेटा हूँ, बोलो मैं माननीय मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, आप तो खुद काम करके बताओ ना। हमने काम किया तभी लोगों ने देखा नहीं, हमने लोकसभा में 28,500 की लीड है, म्यूनिसिपल कमेटी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनी है, जिला परिषद में हमारी चेयरमैन मारी है, महिला ब्लॉक की चेयरमैन मारी है, चंबा ब्लॉक की चेयरमैन, इनके पास है क्या बताओ ना। अगर इन्होंने काम किया तो लोगों ने इनको वोट डालने थे, आपने देख लेना थोड़े महीनों की बात है इनको पता लग जाना कि किसकी सरकार बनती है, लोग बेवकूफ हैं कोई, किस चीज़ का वोट देने इनको, क्या किया इन्होंने बताओ ना। अगर कुछ किया तो डाल दो, आपने देखा नहीं पहली बार होगा कि गुज्जर बरादरी के लोग इतनी तादाद में, कल भी देखना आपने इनके काम किए, हमने गुज्जर बरादरी वाले तो बोलते हैं इन्होंने मारा 50-60 साल शोषण किए इन्होंने, एक आदमी बता दो कोई इन्होंने गुज्जर बरादरी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाई, हमारी पूरी कोशिश है 8-9 आदमी अभी हमने इनके और भी लगाएंगे हम। इसलिए ये जो है ना इनका काम ही झूठ बोलना है, ये क्या करते थे चूना फेंक, देखो ना अब मैंने हर बार बोलता हूँ आप इनको पूछते नहीं है, इनके एमपी ने जो चंबा से लाडा का पैसा ले गया वो बोलो वापस करो, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी हमारे एमपी किशन कपूर जी हैं, 2 इन्होंने एम्बुलेंसें दी, और जितना हमारा शेयर बनता है हम पूरा उनसे शेयर लेते हैं, एक पैसा हम कम नहीं लेते उनसे, तो ऐसे ऐसे एमपी होने चाहिए। चंद्र कुमार की तरह थोड़ी, चंद्र कुमार जी के टाइम का रिकॉर्ड निकालो डीसी ऑफिस से, कितना पैसा दिया इन्होंने, ये सारा पैसा ये कांगड़ा में लगाया इसने, और लगाना क्या चंबा से पैसे ले गया ये 80-90 लाख रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में।
तो फिर ये कह रहे थे कि ये जी ये रूटीन के काम है, अगर ये रूटीन के काम है तो आप बता दो जो पिछले 5 साल में आपने कौन से रूटीन के काम किए, हम मर जाते ये काम रूटीन के किए। तो ये जब भी आप अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते तो पूछो ना आप इनको कि भाई आप पिछले 5 साल की तो गणाओ पहले, बाकी छोड़ो हम तो अभी गणा रहे 2 साल की, 2 साल तो कोरोना में चले गए, आपके सामने काम नहीं लगे सारे, देखो अब वेंडिंग जोन का जोर शोर से लगा, इसका लगेगा क्या, इन्होंने शुरू किया पार्किंग, इन्होंने शुरू की मलूना सड़क इन्होंने शुरू की, अच्छा ये देखो ये जो है तड़ग्रां वाली रोड 70 साल लोग बच्चे बेचारे घरू रुपये आते रहिए, आप जाओ सड़क का काम जोर शोर से लगे, क्यों नहीं किया इन्होंने काम, भाड़िया रोड पार रिजरे से सामने ब्रिज का काम लगे, सड़क का काम लगे, वो शुरू क्यों नहीं कराया इन्होंने, तो ये इनका तो काम ही झूठ बोलना है इनका, या ये बताओ पिछले 5 साल में कौन से नौकरी दी इन्होंने, तब भी हम माने, अब हम नौकरी दे रहे तो बोलते ही अपने वर्करों को दे रहे हैं नौकरी है। कितने ऐसे लोग हैं, हालांकि एक दो तो बिल्कुल जो कटर कांग्रेसी थे वो मेरिट में IPH में उनको नौकरी मिली, उनको तो हमारा कोई भेदभाव नहीं, हमारा तो ये है कि जितने हमारे बेरोजगार युवक हैं इनको काम मिलना चाहिए। सर कल मुख्यमंत्री चंबा आ रहे हैं तो तैयारियां किस तरह से चंबा में चली हुई हैं? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं चंबा निवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि कल ठीक 1 बजे वो 54 नंबर 2 में पहुँच जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बोलते इसका स्वागतम करें, और आपने देखना ये स्वागतम ऐतिहासिक स्वागतम होगा इनका, इनकी तरह नहीं है ये, क्योंकि हमने काम किए हैं इसके, और माननीय मुख्यमंत्री और हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे काम भी बड़े पेंडिंग है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ देखे जाएंगे।